हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि हमको रेज्यूमे कैसे बनाना है और कैसे हमको वो डाउनलोड करना है। तो हम कैनवा की मदद से अपना बढ़िया रेज्यूमे बना सकते हैं इजीली और डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली। तो आपने मेरी अगली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी कैनवा की प्लेलिस्ट देख लेना, तो आप अच्छे से समझ जाए कैनवा के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है कैनवा के ऊपर और अपना लॉगिन कर लेना है, अगर नहीं है तो अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना। और जाना है आपको यहाँ पे पर्सनल के ऊपर और यहाँ पे आपको दिखाई जाएगा रेज्यूमे, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आपको दिखाई जाएगा कितनी सारी बढ़िया क्वालिटी के रेज्यूमे आपको थोड़ी देर में यहाँ पे दिखाई जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे रेज्यूमे दिखाई जा रहे हैं आपको, प्रोफेशनल रेज्यूमे, मॉडर्न रेज्यूमे, सैंपल रेज्यूमे और कितने सारे रेज्यूमे आपको यहाँ पे दिखाई जाएगा। आपको जो पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर लेना और आपको सिर्फ यहाँ पे एडिटिंग ही करनी है। यहाँ पे फोटो रेज्यूमे, क्रिएटिव रेज्यूमे, कलरफुल रेज्यूमे, एक्टिंग रेज्यूमे, एकेडमिक रेज्यूमे, ग्राफिक डिज़ाइन रेज्यूमे, कॉलेज रेज्यूमे, हाई स्कूल रेज्यूमे, स्कॉलरशिप रेज्यूमे, कितने सारे यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगे। तो आपको कोई भी अपनी कैटेगरी वाइज चूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपल रेज्यूमे चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला आप यहाँ पे सी ऑल कर सकते हो और सिंपल रेज्यूमे के टेम्पलेट्स आप देख सकते हो इजीली। तो आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा रेज्यूमे ओपन हो गया है और आपको यहाँ पे कंट्रोल दबाकर जूम करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेज्यूम ओपन हो गया है। हमको सिर्फ यहाँ पे एडिटिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे नेम अपना चेंज कर लेना है और यहाँ पे अपनी फ़ोटो डाल देनी है। यहाँ पे ये आप डिलीट कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्लिक करके और ड्रॉप करके अपनी इमेज सेट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी प्रोफेशनल इमेज डालें और यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हो जो आप हो। जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने ये लिखा है, ऐसे आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी वर्क हिस्ट्री डालनी है अपने हिसाब से, वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, आपने कहाँ पे काम किया है, आप यहाँ पे किस पोस्ट पर काम कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, उसके हिसाब से आप डाल देना सभी कुछ। और यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक हिस्टोरी भी आप डाल सकते हो, आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क रेफरेंस, आप किसी के रेफरेंस को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इजीली और उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और आप यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल सकते हो इजीली, अपना पोर्टफोलियो, लिंक्डइन की प्रोफाइल, ईमेल और अपना एड्रेस। यहाँ पे आप अपने स्किल डाल सकते हो, जैसे कि बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये बंदे का है, प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वालिटी टेस्टिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, यूज़र रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप अपने हिसाब से कोई भी स्किल डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर भी चूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो अपना कलर आप ले सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि ये कलर आप चेंज कर सकते हो इजीली। और आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल समरी भी है, वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आपकी सभी करेक्शन हो जाए, सभी एडिटिंग हो जाए, आपको सिर्फ चेंजेस ही करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड पर। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो पीडीएफ सजेस्टेड है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ ही रखना है और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। थोड़ी देर में हमारी डाउनलोड हो जाएगी ये रिज्यूमे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना रेज्यूमे का पीडीएफ फाइल ओपन किया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पे वर्क हिस्ट्री आ गई है, एकेडमिक हिस्ट्री आ गई है, वर्क रेफरेंस आ गए है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई है, कोर्स स्किल्स आ गए है, पर्सनल समरी भी आ गई है और सब कुछ यहाँ पे आ गया है। आप ऐसे अपना सिंपल रेज्यूमे बना सकते हो इजीली। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे रेज्यूमे आ गए हैं। तो अब हम एक प्रोफेशनल रेज्यूमे देखने वाले हैं, तो आपको सी ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पे कितने सारे प्रोफेशनल रेज्यूमे आ गए हैं तो आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो यहाँ से।
मैं ये वाला ले रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ जूम करके यहाँ पे एडिटिंग ही करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी फोटो आप डाल सकते हो प्रोफेशनल, और यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हो, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो भी आप अपने हिसाब से अपनी नीश को डाल सकते हो। और आप देख सकते हो हाउ टू रीच मी, यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे होम का नंबर है, सेल का नंबर है, ईमेल है, लिंक्डइन है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एड्रेस है, आपको सिर्फ चेंजेस ही करना है, आप सब यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल के बारे में उसने कुछ लिखा है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एजुकेशनल ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे इसने लिखा है वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और यहाँ पे उसने किस किस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है वो भी लिखी है, वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। और आप यहाँ पे करियर समरी भी लिख सकते हो, यहाँ पे उसने कहाँ कहाँ पे काम किया है और कहाँ पे वो प्रेजेंट है वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से डाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, वो किस किस लैंग्वेज में अपना बढ़िया दे रहा है, CS, ASP.NET, अपने हिसाब से वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स। और लास्ट में उसने क्या दिया है, लास्ट में उसने कैरेक्टर रेफरेंस दिए है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी रेफरेंस अपना ले सकते हो अपनी कंपनी में से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिर्फ एडिटिंग ही करनी है, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड करना है, और आपका रेज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा इजीली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना सेकंड रेज्यूमे ओपन किया है, और ये कितना बढ़िया लग रहा है आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से सब मेंशन किया है, आपको ऐसा ही सब मेंशन करना है, ऐसा ही आपको सिर्फ चेंजेस करने हैं और डाउनलोड करना है। इजीली आपको ये रिज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा, आप अपने सभी स्किल्स और सभी अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। तो ऐसी मेरी नई नई वीडियो कैनवा के ऊपर आती रहेगी, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। जैसे मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आए मैंने अपनी नई वीडियो डाल दी है, तो आप उसे इंस्टेंटली देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।